Let's introduce you to a new member. Hi. Sanya, Sabari Baba. Oh, Samma me. Sanya, Varane, Sabaro. Oh, Samma me. Marlon Brando style. डिस्क्लेमर में वो कर लूं, चेक कर लूं एक बार ही, चेक कर लूं इसको है नहीं ना उधर, हम खुद छूट करते हैं, पर होता नहीं उधर, तो अकेले हैं तो प्लीज सपोर्ट, एंगेज. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अच्छे रिव्यूज. आई नो यू आर ऑल एक्साइटेड एंड आई नो यू मिस्ड अस सो मच. वी हैव मिस्ड यू टू काइंड ऑफ. आज जो हम करने जा रहे हैं वो पहले कभी नहीं हुआ. सब कुछ हो चुका. I'm kidding, I'm so joke. आज जो हम करने, sorry, आप बात. थैंक यू. सो आज हम जो रिव्यू कर रहे हैं वो एक बहुत मशहूर ड्रामा है. इट हैज़ बीन वेरी वेल रिसीव्ड, इतना वेल रिसीव्ड कि उसके तकरीबन ब्रेकिंग बैड जितने सीजन होने वाले हैं. सो इट्स द थर्ड सीजन गोइंग ऑन एंड ब्रेकिंग बैड कितने, चार आई थिंक. तुम देखा? किसी भी चीज पे कुछ चीजें होती हैं ऐसी. इस पे हम एक और वीडियो बनाएंगे बाय द वे, सोशल आउटकास्ट्स ऑफ देसी पीपल्स. तो तुम नाम बता दो. नहीं. अच्छा, सो बेसिकली जो आज हम रिव्यू कर रहे हैं वो है खुदा और मोहब्बत. फिरोज खान जब छोड़ के गया था तो फिरोज खान जब वापस आया था एक्टिंग में तो उसने ये कहा था कि मैं इस्लाम की चीजों में काम करूंगा. इसमें तो नहीं है ना, मतलब वो तो खैर डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड. ऑनेस्टली मैंने तो दो एपिसोड्स देखे हैं अभी तक और मैं आई एम टोटली इनटू इट. मतलब मुझे तो आगे देखना है कि क्या होता है. वन थिंग आई डिड नॉट लाइक बेसिकली वॉज हाउ फिरोज खान एंड हाउ पूरी जो डिपिक्शन उन्होंने दिखाई हुई दरबार पे कैसे लोग होते हैं, मतलब वो बाबा बैठा हुआ है वो फ्यूचर बता रहे हैं. दैट्स क्रैप, दैट इज नॉट हाउ इट हैपेंस. मत सफर कर आज वरना सब कुछ खो जाएगा. आई एम प्रीटी श्योर आप लोग जो जाते हैं या मतलब 50% 40% जितने भी लोग जाते हैं या कभी गए हो जिंदगी में, यू हैव सीन मतलब. और उन्होंने दिखाया बहाउद्दीन ज़करिया का मज़ार, और बहाउद्दीन ज़करिया के मज़ार में अगर आप गए हैं तो यू कैंट इवन गेट इन इफ़ यू आर नॉट ड्रेस्ड वेल, बिकॉज बहाउद्दीन ज़करिया का मज़ार इज़ सिंबल ऑफ पीस कम्पेयर टू मज़ार ऑफ शम्स का जो मुल्तान में है. तीन चार हैं लेकिन एक मुल्तान में, उसमें थोड़ा यू नो थोड़ी वहशत आती है, लेकिन इसमें थोड़ा इट्स अ बिट मोर पीसफुल एंड दैट्स हाउ दे वांट टू कीप इट. बट यहाँ पे तो बहाउद्दीन ज़करिया का मज़ार दिखा के वो बंदा लेटा हुआ है, वो पता नहीं क्या बता रहे, फ्यूचर बता रहे, उसके बाद लोग आ रहे हैं फ्यूचर पूछने, दैट इज़ नॉट हाउ इट हैपेंस. एंड दैट इज I don't think, मतलब obviously everyone has their own beliefs, ठीक है, but I don't think that's how it happens. अगर मतलब मेरी भी knowledge कम हो सकती है तो let me know अगर if I am wrong. My rant is over. #. मतलब obviously just disclaimer, मैंने नहीं देखा पूरा ड्रामा. मैंने सिर्फ एक एपिसोड देखा. हम judgmental लोग हैं. हाँ मतलब मुझसे नहीं देखा गया. पाकिस्तानी है. But मुझसे तो देखा गया. Honestly it was a good drama. I liked it. पता नहीं आपको क्या चाहिए seriously. इतना कुछ है उसमें, इकरा अजीज है उसमें, फिरोज खान है उसमें, शादी हो रही है इतनी बड़ी यार, पता नहीं क्या मतलब दरबार है उसमें, फ्यूचर मिस्टिकल सब कुछ है यार, आपको क्या चाहिए? सॉरी मैं ये नहीं चाहिए मुझे. पता नहीं हमें क्या चाहिए, बस हम बस यही करते रहते हैं बैठ के. वसीम अब्बास जो है इस ड्रामे में जो कि फिरोज खान के फादर प्ले कर रहे हैं, ही इज अ वेरी पावरफुल एक्टर. कमाल है भाई, आज तुम भी घर पे ही हो और वो लाडला कहाँ है, पड़ा सो रहा होगा अभी तक. Reasons for you to watch this drama would be his performance. There is one thing जो के जावेद शेख कहते हैं इसमें, which I highly agree with. वो कहते हैं, जरूरी नहीं है कि डिग्री हासिल करने वाला बेटा ही बाप का नाम रोशन करे, है ना? I doubt कि the generation जो हमसे पहले थी would actually would agree with this, but our generation
एंड द जनरेशन दैट कम्स आफ्टर दिस आई थिंक शुड बी एबल टू अग्री विद दिस या बिकॉज़ आई डोंट थिंक इट्स इंपॉर्टेंट एनीमोर इफ यू हैव द स्किल्स तो आई डोंट थिंक इट्स इंपॉर्टेंट और अगर आपके बीच में थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही हो तो वो मेन खेल रहा है इधर उधर सो Sorry, we don't want to kick him out just because sound बिल्कुल clear आया. I think हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है. Let him enjoy. फिरोज़ खान की जो acting थी, I don't know. You might be like big fans of him or something, but मुझे नहीं समझ मुझे इतना प्यारा भी नहीं लगता वैसे. I'm sorry मतलब वो लोगों ने कहा था छोड़ दिया इतना रो रहे थे ऐसे. But he's considered one of the good looking actors. I have seen better, but चलो. पाकिस्तान में I've heard मतलब I've seen better. I'm talking about yourself. Yes. ये self obsessed कॉम है. हम क्या किसी और की तारीफ करें. खैर तो ठीक है हार इसका हो गया जो उसने करना होता है हर एपिसोड में. Although I could see that he was trying to get into that character of being you know from a mohalla and from a lower class background and having that kind of like he tried to make that accent as well but it was so forced. Is it just the accent that he does? It's mostly the accent, yeah. Because he tries to like okay, just see. क्या हो गया यार? मैं तो नहीं करूँगा. घर पे जाके क्या बोलोगे तुम लोग? फिर दोहराना तो नहीं पड़ेगा ना? बहुत शुक्रिया. मैंने कर लिया ना. So you know that and मोटी करने की कोशिश की है. टपोरी टाइप टच एक दिया है. तो I mean it's good that actors are trying to embrace the character, but if they could work a bit more on it. Yeah, मतलब yeah I think my English. Sitting out of the industry, talking about the industry is very easy. Yeah. But I think our industry mein it's more on the looks. Diplomatic hai, full ke kal ko industry mein chala jaye. Exactly. So agar kisi ko zarurat hai. Hello. It might be moving towards a better stage, but it's taking a lot of time. Yeah, yeah. Yeah, because a lot of people are fine with it now. हमारी ऑडियंस इज फाइन हाँ तो अब अगर चल रहा नॉट सेइंग दैट द ऑडियंस डज नॉट अंडरस्टैंड ऑडियंस इज वेरी इंटेलिजेंट आई ट्रूली बिलीव दैट आई बिलीव दैट आई मीन आप बकवास देते रहोगे तो वो लेते रहेंगे बट द थिंग इज दैट इफ क्रिएटर्स क्रिएट समथिंग एंड इट वर्क्स तो देन ऑब्वियसली दे क्रिएट मोर मतलब हमें क्या है हमें तो ऑब्वियसली वी वॉन्ट के एक चीज़ चले सो हम उसको रिपीटेडली करेंगे सो आई गेस इट विल टेक सम टाइम बट एनी वे अदर देन दैट इवन इकरा अजीज का जो कैरेक्टर था वो बहुत ज़्यादा अभी तक हम स्पिन ऑफ देख रहे हैं गीत के जब भी मेट के बिकॉज शी स्टार्ट्स यू नो स्टार्ट्स टू थ्रो टैंट्रम्स एवरीवेयर बिकॉज उसकी दोस्त की शादी हो रही होती है बेसिकली हाँ, मैंने भी बहुत देखा है मतलब इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा दिखाने लग गए लाइक उसकी दोस्त की शादी होती है और उसका ना वो दुपट्टा नहीं मिल रहा होता जो उसकी दोस्त की शादी पर पहनना होता है सो दोस्त की शादी इज शी इज़ इम्पॉर्टेंट दैट डे राइट जिसकी शादी है बट उसको वो दुपट्टा नहीं मिल रहा होता स्पेसिफिक तो वो कहती है मुझे वही दुपट्टा चाहिए शी थ्रोस अस ह्यूज डांट मुझे वही नीला जोड़ा पहनना है जिसका दुपट्टा ये घर पर छोड़कर आ गई एंड इवन द दोस्त डेड बाय मेहरबानो इज ट्राइंग टू से टू हर के मेहरबानो से आई लाइक मेहरबानो मेहरबानो वी लव यू इवन लाइक शी इज ट्राइंग टू से के भाई हम ले लेते हैं दुपट्टा जाके लाइक शी इज कमिंग हर डाउन सो इस तरह का कैरेक्टर है थोड़ा सा अननोइंग है यू नो स्टेशन पे उसका बैग घूम जाता है तो शी मेक्स अ ह्यूज डील आउट ऑफ इट इतनी बड़ी ट्रेन में इतनी सारी बोगियों में इतने सामान में आपको मेरा ही काला बैग मिला घुमाने का We need more good directors यार ठीक है मतलब वो वही चीज़ करते हैं वो आते हैं वो काम करते हैं वो चले जाते हैं वही एंगल्स हैं वही सब कुछ है कुछ नया नहीं है नया ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि जब पैसे ज़्यादा लग रहे होते हैं तो सेट बड़ा हो जाता है जो सेट ज़्यादा गोल्ड हो जाता है सेट मतलब ये चीज़ें बड़ी होती हैं आपका डायरेक्टर वही का वही है और वही चीज़ कर रहा है तो दैट इज समथिंग मे बी द इंडस्ट्री नीड्स टू लुक एट होपफुली यस अगेन सेकंड रैंट ओवर हैशटैग एंड इट हैज़ अ डिफरेंट लुक आई वुड से यू कैन रियली सी द लुक बिकॉज़ इट्स रियली देयर हाँ ये तो पॉइंट से भी नहीं है बट लाइक दे है मतलब उन्होंने दिखाया है कि ब्रो हमने ना कलर ग्रेडिंग कराई है ठीक है एक राजीज अगर छुट्टी हम उसको ऑरेंज दिखाएं कलर ग्रेडिंग हुई है ब्रो प्लीज तो मतलब चलो अच्छी बात है कि कर रहे हैं मतलब आई थिंक पहले होती नहीं होगी एग्जैक्टली दे आर क्रिएटिंग सम लोग तो अब हम एक वो ओवरऑल प्लॉट के बारे में बात करना चाहते हैं इसमें बेसिकली जो प्लॉट है वो ये है कि फिरोज कैरेक्टर फॉल्स इन लव विद इकरा बट शी डज नॉट रेसिप्रिकेट हिज फीलिंग्स और वो नहीं उस तरह से फील करती जिस तरह फिरोज खान फील करता है और वो आई थिंक उसकी शादी हो जाती है किसी और से एंड वो एक ज़िंदगी भर का एक रोग लग जाता है फिरोज़ खान को बद्दुआ दे देते हैं इकरा अज़ीज़ और वो फिर यू नो ज़िंदगी भर उसकी रुइन हो जाती है इकरा अज़ीज़ की
So the point being that this is a very, very distorted view of love. Because love in itself is a very, you know, caring emotion. It's a beautiful feeling. It's a beautiful, most beautiful feeling in the world. It's the most beautiful feeling in the world. Yeah. It's supposed to be like comfort and, you know, ek achhi cheez, you know, ek insaan ki zindagi mein jo hum logon ne kafi ruin kar diya. And I think ye ek element baddua dene ka kisi ko just because they don't feel for you the same way. I mean, I know it hurts. We have all been there, some way or the other. मैं तो शादी नहीं, तुम्हें कैसा लगा? तुमने शादी के बगैर कोई रिलेशन? क्या यार? मैं तुम्हारे कहानी अब ताने लग जाना अगर. हाँ. Plus मतलब आपने बदबू अगर दे भी दिया. So it doesn't really have to work the way that you wanted it to work. Yeah. Right? And it doesn't even have to work. But obviously it's a drama. It's romanticized. हाँ. हाँ, so. सब चीजों को बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज किया. एंड इट्स आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ. हां दफा करते हो तो वी शुड कीप इट हैरिस का ट्रेश ऑफ रिव्यूज. अच्छा खैर बेसिकली उन्होंने सब कुछ रोमांटिसाइज किया है. स्टॉकिंग तो खैर है, इसमें भी स्टॉकिंग है. वो बंदा जब स्टेशन पे उसको प्यार हो जाता है क्राइसिस, उसको प्रॉपर नेक्स्ट लेवल स्टॉकिंग कराता है. नॉट जस्ट के वो खुद जाके देखे. ये सब बस तुम्हें गैर महसूस तौर पर उन पे निगरानी रखनी है. अगर चाहो तो इलाके से दो चार बंदे और बुलवा लो इसी काम के लिए. सो वो अपने बंदों को इस काम पे लगा देता है कि ये जाएं और देखें कि वो कहाँ रहती है, क्या करती है, कब वापस जाएंगे, यू नो ऑल ऑफ दैट. सो दैट वाज प्रीटी डिस्टर्बिंग. खैर वो तो बड़ा ही कॉमन है. आई थिंक वो तो हमारे ड्रामा बहुत कॉमन है सभी चीजें. उसके लिए हमारी वो भी देख लें दुल्हन वाली एपिसोड. हाँ प्लीज. हमने उस पर एक्सटेंसिवली बात की इस बार. इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर ऑल एक्स बॉयफ्रेंड्स दिस ड्रामा एंड व्हाट इट्स परपेचुएटिंग. All miserable ex-boyfriends. Yeah. मतलब this is just crap. मतलब आप aside from the drama, aside from everything else, if you just sit and think about what he did, dump it down to your level, and be like, अच्छा एक बंदा है जिसको मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ और उसने मुझे मना कर दिया और मैंने उसको बदुआ दी कि उसकी ज़िंदगी खुशियाँ छिन जाए उससे. Think about that. And that is what's being perpetuated. रोमांटिसाइज करके सब कुछ करके आपकी सोसाइटी में ही फैलाया जा रहा है कि आप ये कर दो अगर नेक्स्ट टाइम हो. सो दैट्स जस्ट बैड एंड अनएथिकल एंड इररिस्पॉन्सिबल राइटिंग ऑन द राइटर्स पार्ट एंड इररिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग ऑन द इन्वेस्टर्स पार्ट एंड वेरी वेरी सैड टू सी के इस तरह की चीज़ें हमारी सोसाइटी में चल रही है. इट्स वन ऑफ द टॉप रेटेड वंस राइट. या इट्स एंड नंबर थ्री इज इस बात को प्लीज़ हम लोग आपसे बोल रहे हैं और आप इस बात को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बात को सदका जारिया की तरह फैलाएं कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपको पसंद करें. सो प्लीज़ डोंट बी स्टक ऑन इट. ट्राई फॉर इट बट इफ़ इट डज नॉट हैपन यू डोंट गेट स्टक ऑन इट. मतलब हमने वो एक और चीज़ जो बहुत रोमांटिसाइज दिखाते हैं वो होता है ये रोग ये जो यू नो बिकॉज ओ माय गॉड ही लव्स हर सो मच दैट ही गिव ऑल हिज लाइफ टू हर. इट्स नॉट अ गुड फीलिंग टू हैव बाय द वे. मतलब इफ यू आर लुकिंग फॉर इट देयर समथिंग रॉन्ग विद यू. या अगर रणबीर कपूर रॉक स्टार में उसको रोग लगता है और वो रॉक स्टार बन जाता है, वो रणबीर कपूर है ठीक है और इम्तियाज अली है उसमें, आपका नाम सलीम है, यू आर नॉट रणबीर कपूर. क्या बताऊं कैसा लगा जब उसने कहा बर्गर ऑफ. नो बट इवन इन दैट लाइक रणबीर इज यू नो कैथारसिस आर्ट में मिल रहा ना उसको. ही इज बिकमिंग कुछ कर रहा है. ही इज डूइंग समथिंग अबाउट इट. म्यूजिशियन बन गया वो. ओके फाइन चलो. बट एंड इट्स नॉट दैट रेसिप्रिकेशन नहीं थी उसमें. उसमें देयर वाज डिफरेंट इट लाइक सर्कमस्टेंसेस वर डिफरेंट. इसमें तो रेसिप्रिकेशन ही नहीं है तो यू कांट लाइक यू नो बी ऑल सैड अबाउट इट. ये कोई प्यार व्यार नहीं है, कोई दिल का टूटना नहीं है, लड़की से सुन के तुम थे ना कि डोमिनोज़ से कभी ऐसे कॉल नहीं आती. जेंडर
अबे डॉम वो बहुत चलो के बात करी थी उनसे, उसको मेरी आवाज पसंद है, बट क्या वो मुझसे प्यार करेगी? नहीं। उसका शौहर मर जाएगा। That is खुदा और मोहब्बत for you in a nutshell. Thank you so much for watching, guys. Please do let us know what we should review next. Tell us how you like the video. If you didn't like it, please tell us that as well. गालियाँ दें, share करें. Keep watching Last Shot. Our web series D30 is coming. It is coming soon. Thanks for watching. Bye. Hi, सो गया. Bye. Oh, मुझे लगा तुम character में ही रहोगे. Breaking his character. What kind of an actor is he? Oh, by the way, D30 में ये भी, ये loser भी act कर रहा है, so. मैं नहीं आ रहा था। I'm kidding. He's great. He's great. You have to watch the series and decide for yourself. Okay, bye. Bye.